Pikachu. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू टेक एंड यर्स मीता लाइक बाल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो फ़ोन का रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है टेक्नो कैमन 15। अच्छा जी, मैं काफ़ी लेट इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ रहा हूँ एंड या मेरा कोई माइंड नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ अंश है, मतलब इस फ़ोन की जो मतलब हाइप बनी हुई है, हाइप क्रिएट हुई हुई है, जहाँ पे भी सुन रहे हैं कि भाई आपने इसका रिव्यू नहीं किया, तो दैट्स व्हाई मुझे इसका रिव्यू करना पड़ रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं इस फ़ोन के लुक की। तो ये फ़ोन एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा एक लुक आपको प्रोवाइड कर देता है, और सामने यहाँ पे आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी अवेलेबल दे देता है। इसके अलावा अगर बैक के साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है एक रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि एक बहुत यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। एंड इसके साथ भी आपको एक एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाता है। बैक माउंटेड यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको की लुक दी गई है, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लुक दी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कब सब्सक्राइब कर दोगे? आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, इस फ़ोन की हम आगे बात करते हैं इसके OS की। तो ये आपको एंड्रॉइड 10 के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ये हाई OS 6.0 के साथ आता है। ठीक है, अगर इसकी वेट की बात करें तो ये 196 ग्राम का वेट है इसका। अगर यहाँ पे सिम की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड, आप डेडिकेटेड दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम आप यूज़ कर सकते हो। कलर्स की बात करें तो आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा शोल गोल्ड एंड फैसिनेटिंग पर्पल एंड एक जेट कलर का यहाँ पे आपको कलर मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स A53 CPU मिल जाता है, जो कि यहाँ पे चिपसेट है MediaTek Helio P22 का, जो कि 12 नैनोमीटर बेस यहाँ पे चिपसेट है। इसके अलावा अगर GPU की बात करें तो PowerVR GE832 का यहाँ पे GPU मिल जाता है, जो आपको बस एक एवरेज सा परफॉर्मेंस दे देगा। हाँ, ये इसको मैं एक गेमिंग फ़ोन नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कि इसके ऊपर आप गेमिंग अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 64 GB का स्टोरेज मिल जाता है, एंड रैम आपको 4 GB का यहाँ पे आपको रैम मिल जाता है। कैमरे की बात करें यहाँ पे आपको तो क्वाड कैमरा सेटअप बैक पे मिलता है, जो कि पहला 48 MP का है, दूसरा यहाँ पे 2 MP का है, एंड अगेन 2 MP का एक और सेंसर है। इसके बाद एक QVGA यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है, जिसे हम लो लाइट सेंसर भी कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ये जो बैक कैमरे से आप वीडियोग्राफी कर सकते हो वो है 1080 एट 30 FPS से। ठीक है, फ्रंट की बात करें तो आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है जो कि 16 MP का, यहाँ पर भी आप 1080 पे 30 FPS आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको फेस अनलॉक ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है, फिंगरप्रिंट आपको रियर माउंटेड मिल जाता है, एंड 3.5 mm का एंड्रॉइड ऑडियो जैक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मिल जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगी, क्योंकि बैटरी इतनी बड़ी है कि आपको 1.5 से 2 दिन तो ईज़िली यहाँ पे निकाल लेगा। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो ये मार्केट के अंदर 22,500 रुपये, मतलब 22.5K का यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। देखा जाए तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है, लेकिन कैमरे के मामले में इसने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दी, और लुक वाइज भी ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगा। मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, तो अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस सेट चाहिए एक बजट में, तो आप इसके तरफ ना जाओ तो वो बेहतर है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हीलियो P22 का चिपसेट है, जो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। मतलब अगर आपको गेमिंग करना है तो आपने इस सेट के को देखना भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए जिसके अंदर कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ रही हो और अच्छा कैमरा हो, बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप हो, तो ये एक आपको बजट के अंदर कैमरे के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा जा रहा है। एंड अगर आप टेक्नो लवर हो तो फिर आप इस साइट पर जा सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो।
थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बटन होगा एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। एंड आपकी क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ द बॉय तलक इकबाल साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।